इसराइल हमास युद्ध की आंच पहले तो लेबनान और यमन तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये बहरीन, सीरिया और इराक तक फैल चुकी है। दरअसल इन तीनों ही देशों के प्रतिरोधी समूहों ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और इसमें सबसे आगे इराक है, जहां से पहले तो इसराइल के इलत शहर पर हमले हुए, लेकिन इसके बाद इराक के प्रतिरोधी समूह इसराइल की राजधानी तेल अविव तक हमला करने में कामयाब रहे हैं। दरअसल हाल ही में इराक के प्रतिरोधी समूह ने तेल अविव के भीतर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक करने का दावा किया था। और अब इस हमले के बाद एक बार फिर से इराक से इसराइल पर हमला हुआ है, और ये हमला इराक के प्रतिरोधी समूह ने किया है। इसको लेकर इराक के प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने उम अल रशरश में इजरायली एयरफोर्स के ठिकाने पर कई ड्रोन हमले किए हैं। इराक के प्रतिरोधी समूह का ये भी कहना है कि उसके एक हमले में इलट में बने आईडीएफ के एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले इराकी प्रतिरोधी समूह ने 4 मई 2024 को इसराइल के हाइफा बंदरगाह पर क्रूज मिसाइल से हमला किया था। इराक के प्रतिरोधी समूह के मुताबिक ये इलाका फिलिस्तीन का है, जिस पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि 4 मई को इसराइल पर जो क्रूज मिसाइल दागी गई थी, उसका नाम अरकब था, जिसे इराकी धरती से कब्जे वाले फिलिस्तीन के हाइफा पोर्ट की तरफ दागा गया था। हालांकि प्रतिरोधी समूह इस इलाके पर पहले भी कई हमले कर चुका है। और इसी कड़ी में इराकी प्रतिरोधी समूह ने इसराइल के खिलाफ 173 हमले किए थे। इनमें से दो हमले कब्जे वाले फिलिस्तीन में हुए थे, जबकि एक हमला डेड सी में किया गया था। और इससे पहले गुरुवार यानी 2 मई 2024 को इराकी इस्लामिक प्रतिरोधी समूह ने दावा किया था कि उसने बेरल साबे पर आल अकरब एडवांस क्रूज मिसाइल से हमला किया था। और इस हमले के बाद अगले ही दिन यानी 3 मई को प्रतिरोधी समूह ने कहा था कि उसने तेल अविव में आईडीएफ के एक अहम ठिकाने पर हमला किया था। दरअसल इराकी प्रतिरोधी समूह ने इस हमले में अब्राहम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था, जो बेरल साबे में था, और दूसरे हमले में तेल अविव में मोसाद ग्लियोट इंटेलिजेंस सेंटर पर हमला किया था, जो इसराइल के किरिया से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और किरिया में ही इसराइली सरकार की वॉर कैबिनेट मीटिंग होती है। और इस जगह से इतने करीब इराक से हमला होना आईडीएफ के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है।